दोस्तों अक्सर अगर हमारे सीने में दर्द होता है तो लोग उसको मान लेते हैं कि भाई हार्ट का हमारा पेन हो रहा है, दिल की वजह से वहाँ पे दर्द हो रहा है। तो काफ़ी दोस्त कमेंट में पूछते हैं कि हमें इस तरह का दर्द है तो क्या वह हार्ट का पेन है या फिर ये मस्कुलर पेन है। तो दोस्तों आज मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, इन दोनों में डिफ्रेंशिएट करूँगा आपको हार्ट का पेन है तो क्या होगा और मस्कुलर पेन है तो उसमें क्या सिम्टम आएंगे। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपको दर्द है और बहुत ज़्यादा सीवीटी वाला है, बहुत तेज़ वाला है, तो वह आपको सिंपली हार्ट का पेन हो सकता है। और मोस्टली जो है हार्ट का पेन ही इतने सीवीटी होता है जो सहन नहीं होता है। अगर आपको डल और कांस्टेंट पेन है, अगर आपको लगातार में दर्द बना हुआ है सीने में, एक ही जगह बना हुआ है, तो वह आपको मस्कुलर पेन है। मस्कुलर पेन की एक ख़ास पहचान और होती है दोस्तों, अगर आप उसको टच करेंगे तो वह आपको आसानी से पता लगेगा कि आपको इस जगह पर, इस पोर्शन में दर्द है। हार्ट वाले केस में ऐसा नहीं होता क्योंकि वह दर्द अंदर होता है। मस्कुलर पेन जो मांसपेशियों में ऊपर हो रहा है वह आप उसको आसानी से पहचान सकते हैं। हार्ट का पेन ऑलवेज रेडिएट होता है, जैसे मैंने आपको बताया था, काफ़ी वीडियो में बताया हुआ है कि हार्ट का पेन अपनी जगह से दूसरी जगह पे जाता है, मतलब फैलता है आपके लेफ्ट हैंड में, वह फैलता है। जबकि आपका मसल्स का पेन ऐसा नहीं होता, वह एक फिक्स होता है, कॉन्स्टेंट पेन होता है। और मसल्स का जो पेन होता है वहाँ पर सिकाई करने से आराम मिलता है, जबकि हार्ट के केस में ऐसा नहीं होता है, वहाँ पे सिकाई से भी आराम नहीं लगता है। खांसने से जो दर्द है, अगर आपको खांसी उठ रही है तो वह दर्द आपको लंग्स का भी हो सकता है, कोई निमोनिया वाली बीमारी हो सकती है, फेफड़ों में इन्फेक्शन हो सकता है, और ये आपको हार्ट की वजह से भी हो सकता है। और ये कई बार जो है इंजरी में भी, जहाँ पे आपको चोट लगी हुई हो, मसल्स के पेन में भी ये परेशानी देखने को मिलती है। बाकी आपको अभी ज़्यादा डाउट रहता है कि आपके अंदर हार्ट के सिम्टम्स हैं, हार्ट की परेशानियाँ हैं, दिल की बीमारियाँ हैं, तो दोस्तों आप मेरे वो भी वीडियोस चेक कर सकते हैं जहाँ पे मैंने आपको बताई हैं, हार्ट से जुड़ी ही सारी डिटेल बताई हैं, सारे लक्षण बताए हैं, हार्ट अटैक के बारे में बताया है, जो पेन होता है उसको हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं गैस्ट्रिक वाले को और निमोनिया वाले को, मीन्स लंग्स की बीमारी वाले को। तो आप उस वीडियोस को देख सकते हैं तो आप उससे आसानी से समझ सकते हैं, उसको आप समझ के आसानी से आप अपना ट्रीटमेंट ले सकते हैं, अपना अच्छे से डायग्नोसिस करके। तो दोस्तों ये तो मेरा शॉर्ट वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। जो दोस्त चैनल पे नए हैं, पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस करें। आपके लिए मैं इसी तरह से नए नए और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद।